आप भी कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा सिलेबस याद। कैसे, जानेंगे इस सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक ऐसा सिस्टम सीख रहे हैं जिसका नाम है विवेकानंदा सिस्टम। क्या है विवेकानंदा सिस्टम? ये एक ऐसा क्रांतिकारी सिस्टम है जो आपको बताता है कि आपको पढ़ने से पहले क्या करना है, पढ़ने के दौरान आपको क्या करना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है। जितने भी स्टेप्स हैं सारे के सारे साइंटिफिक हैं, सिस्टमेटिक हैं और एक के बाद एक आपको कदम उठाना होता है, एक के बाद एक स्टेप आपको लेना होता है। और जब ये सारे के सारे स्टेप्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि जो कुछ भी आप याद करेंगे वो तेजी से याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा और जब चाहे आप उसे रिकॉल कर लेंगे। एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन एक साथ काम करते हैं, क्रांतिकारी सिस्टम है। क्योंकि इससे पहले आप देखिएगा, कहीं भी किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आपको नहीं बताया जाता कि पढ़ने से पहले क्या तैयारियां करें। कोई बात ही नहीं करता पढ़ने के दौरान क्या करें या पढ़ने के बाद क्या करें। हमें तो सिंपल बताया जाता है रीडिंग 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 एंड रीडिंग, जो कि रीडिंग भी एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं बताई जाती कि रीडिंग के भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं। स्कैन रीड होता है, स्कीम रीड होता है, स्टडी रीड होता है, लेकिन कोई स्कैन रीड की बात ही नहीं करता। स्कीम रीड किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक स्टेप्स हैं। तो काफी साल से मैं चीजों पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तभी ये सारे के सारे स्टेप्स मैं जानता हूँ और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मैंने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, काफी सारे स्टूडेंट्स तैयार किए और उन स्टूडेंट्स में भी मैंने जबरदस्त चेंज देखने को मुझे मिला है। और ये सारी की सारी चीजें इतने डिटेल से मैं आपको भी सिखाता जा रहा हूँ। इस सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद। पढ़ने से पहले जो तैयारियां होती है उसपे 6 वीडियो मैं बना चुका हूँ। हम बात कर रहे थे पढ़ने के दौरान क्या करें, उस पर भी मैं सिलेक्शन मेथड के बारे में बता चुका हूँ, सर्वे मेथड के बारे में बता चुका हूँ और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर मेथड के बारे में। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले वाली सारी वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये जो सीरीज है अगर इसका एक भी वीडियो आपने मिस कर दिया तो वो सीक्वेंस टूट जाएगा, वो रिदम टूट जाएगी और जो मैं गारंटी देता हूँ 100% रिकलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर का मतलब होता है खांचा। और आप मुझे बताइए, जब भी कोई चीज बनती है, मान लीजिए एक बिल्डिंग को हम बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या बिल्डिंग बनती है या उसका एक ढांचा, उसका खांचा तैयार होता है? मेरा आपसे क्वेश्चन, कमेंट में बताइए। तो सबसे पहले उसका एक ढांचा, एक खांचा तैयार होता है और फिर हम तैयारियां करते हैं, सीमेंट, ईंटें, रोड़ी, क्रेशर, उस सारी की सारी चीजें जब हम उस ढांचे पर डालते हैं तब जाके बिल्डिंग तैयार होती है। चाहे आप एक नेल कटर बना रहे हो, चाहे आप प्लेन बना रहे हो, जो नेल कटर बनाने वाला है वो भी पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करता है और जो प्लेन बनाने वाला है वो भी व्यक्ति उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। स्ट्रक्चर के ऊपर ही वो चीज डलती है, तब जाके वो आगे बनके तैयार होता है। अगर मैं आपके लिए कोर्स बना रहा हूं तो कोर्स बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। अगर मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं तो वो वीडियो बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। तो जब हर चीज में हम स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हैं तो जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं तब वहां पे उस स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन जो टिकती है वो स्ट्रक्चर पे टिकती है। अक्सर आपका क्वेश्चन होता है कि सर, हम जब भी रिकॉल करते हैं हमें वो चीज याद नहीं आती। वो याद इसलिए नहीं आती, उसका सबसे जो बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि वो जो चैप्टर आपने याद किया था उसका आपके दिमाग में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो जो चैप्टर आपके दिमाग में कहीं टिक नहीं पाया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप कोई भी चैप्टर याद करें, अगर उस चैप्टर का एक स्ट्रक्चर ब्रेन को दे दें और उसके बाद उसको याद करें तो वो जो चैप्टर है वो स्ट्रक्चर पे टिक जाएगा और आप उसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। स्ट्रक्चर एक हुक का काम करता है। वो हुक जो होते हैं, जैसे हम घर पे अपने कपड़े टांगते हैं, अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन, वो चैप्टर्स, वो क्वेश्चन आंसर ब्रेन में स्टोर रखने हैं, टांगने हैं, तो उसको स्ट्रक्चर देना होगा। आप भूलते क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं देते हैं।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट रोल है मेरे प्यारे दोस्त। अब ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये बनाने के लिए आपको क्या करना, मान लीजिए आपको एक नया चैप्टर है, उस नया चैप्टर का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, तो सबसे पहले उसका टाइटल आएगा, चैप्टर का टाइटल, चैप्टर का टाइटल ये है। उसके बाद उसमें जो आएंगे मेन मेन हेडिंग्स, उसके नीचे आएंगे मेन मेन हेडिंग्स आ जाएंगे, मेन मेन हेडिंग्स के नीचे उसकी सब हेडिंग्स आ जाएंगी, और सब हेडिंग्स के नीचे उसके मेन मेन पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उस पूरे चैप्टर का जब मैंने आपको सर्वे की प्रोसेस से मैंने गुजारा था, मैंने बोला था कि जब सर्वे करते हैं, सर्वे का मतलब क्या होता है, उसको मोटे तौर पर सरसरी तौर पर देखते हैं, तो उसके जितने भी मेन मेन वर्ड्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, वो सारे के सारे हम पेंसिल से अंडरलाइन कर लेते हैं, और अंडरलाइन के दौरान उस पूरे चैप्टर के जितने भी मेन वर्ड्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, उन सबको हमने अंडरलाइन कर दिया है, और वो मेन वर्ड्स उसी का हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। सबसे ऊपर टाइटल, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स के अंदर वो सारे के सारे पॉइंट्स। कहने का मतलब मेरा ये है, जो 10-15 पेजेस का एक चैप्टर था, वो एक पेज के स्ट्रक्चर पे समा जाता है, वो खांचा तैयार हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे किसी भी चैप्टर का, तो वो चैप्टर आपके ब्रेन में नहीं टिकेगा। ये कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे ही आप स्टडी टेबल पे बैठे, सबसे पहले व्हाट एंड व्हाई कर लें कि मैं क्या आज क्या पढ़ने वाला हूँ और क्यों पढ़ने वाला हूँ, ताकि आपका मन सेट हो जाए, और उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस से गुजरे, जल्दी से देख लें कि इस चैप्टर में इतने पेजेज हैं और इतनी देर में मैं पढ़ने वाला हूँ, ताकि आपके ब्रेन को टारगेट मिल जाए, और उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस के बाद सर्वे की प्रोसेस से गुजरे, मोटे तौर पर सरसरी तौर पर उस नए चैप्टर को एक बार देख ले, पेंसिल से अंडरलाइन कर ले, और उसके बाद उसका एक स्ट्रक्चर बना ले। अभी हम जो सेगमेंट की जो बात कर रहे हैं वह है पढ़ने के दौरान। पढ़ने के दौरान जैसे हम स्टडी टेबल पर बैठे, हम सिलेक्शन की प्रोसेस से गुजरे, उसके बाद हम सर्वे की प्रोसेस से गुजरे, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, ये पूरी की पूरी सीरीज कैसी लग रही है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज एक्शन लीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे और इंडिया की लाखों बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज में आगे और क्या क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। इस सीरीज को अगर आपने सीख लिया ना, तो स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उन सब का सोल्यूशन हो जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।